तीन गाड़ियों के बीच में एक बड़ा रोड। इस समय हम वाल्मीकि चौक के पास हैं और तीन गाड़ियों के बीच में जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल विजुअल्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ये आप गाड़ी आप देख सकते हो JK02BG3074 और ये बिल्कुल वाल्मीकि चौक की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको दूसरी गाड़ी भी बताता चलूँ, ये आप टूटे बिखरे से स्पेयर पार्ट आप नीचे देख सकते हैं और उसके बाद और तीसरी गाड़ी जो है वो तीसरी गाड़ी ये है JK02CG3565। तो ये फिलहाल एयर बैलून्स जो है वो गाड़ी के खुल चुके हैं, एयर बैलून्स दोनों, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विजुअल्स JK02CG3565। तो ये हुंडई वर्ना है और एयर बैलून्स आप देखिए कि एयर बैलून्स खुले हुए हैं और साथ ही साथ ये आप दूसरा बुलेट देख सकते हैं JK02A9566 और तीसरी गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर JK02BG3074। तो ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ और नीचे टूटे बिखरे हुए स्पेयर पार्ट। ये जितने व्यूअर समय समय जुड़े हैं मैं उनको बताता चलूँ कि ये एक्सीडेंट जो है वो हालांकि अभी लगभग अगर बात करें तो 5 मिनट कम 6 का समय हुआ है, लेकिन कुछ देर पहले तो ये गाड़ी एक शेवरलेट की है और दूसरी दो गाड़ियां हैं, एक वरना है। फिलहाल JK02BG3074 शेवरलेट की एंजॉय LT। तो ये एंजॉय LT शेवरलेट की गाड़ी है JK02BG3074। हालांकि इस तरह के नंबर जो पीली प्लेट रहती है, इस तरह के नंबर जो है वो ज़्यादातर जो है वो टैक्सियों में लगे होते हैं, येलो जो प्लेट रहती है। तो ये कुछ देर पहले यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट के पहले की बात है JK02BG3074। तो ये इंजॉय LT शेवरलेट की गाड़ी है, काफ़ी जाम जो है चारों तरफ लगा हुआ है और एक नहीं दो नहीं तीन गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। जी हाँ, एक गाड़ी जिसको अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है पब्लिक द्वारा यहाँ से धक्का लगाकर आगे किया जाए और दूसरा ये बुलेट है और तीसरी जो हिट हुई है वो ये शेवरलेट की गाड़ी है, माफ़ कीजिएगा वरना की गाड़ी है, ब्लैक कलर की वरना है और इतनी ज़ोर से हिट की गई है कि दोनों एयर बैलून जो हैं वो खुले हुए हैं, दोनों एयर बैलून जो हैं वो खुले हैं। JK02CG3565 ये ब्लैक वरना गाड़ी का नंबर है और इतनी ज़ोर से हिट की गई है कि दोनों एयर बैग्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। सो फिलहाल कोशिश भी करेंगे हम यहाँ से थोड़ी सी डिटेल लेने के लिए, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, कितने बजे आले दुआले होया एक्सीडेंट? बस एक मिनट टाइम देखो ते मिगी 6 बजे ना, साढ़े पाँच मैं भी बाद में आया हूँ। अच्छा, अभी पहुँचा हूँ मैं भी, तो देखा भी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ियाँ साइड पर कराई हैं, चलिए देख रहा हूँ नंबर शंबर लिखे भेजे ना, बच गया, सब बच गया, सब बच गया, हाँ बच गया। फिलहाल उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया हुआ है? हॉस्पिटल पता नहीं, अभी ये बोलते किसी को लगी, अभी किसी को लगी नहीं। नहीं, इस तरीके से कार का एक्सीडेंट क्या था, ये क्या हुआ? तो फिलहाल एक शेवरलेट गाड़ी JK02BG3074 और उसकी आप हालत देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता चलूं कि ये बुलेट भी यहाँ पर JK02AW9566 और तीसरी गाड़ी जो है वो वरना है JK02CG3565। तो अंदर आप देखें हेलमेट भी जो है वो भी नाली में पड़ी है और जो एयर बैग्स हैं वो खुल चुके हैं।
काफ़ी लंबा जाम जरूर लगा हुआ है। और हालांकि अब कितनी गंभीर टक्कर यहां पर हुई है, जिस तरीके से पुलिस द्वारा हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इंजरीज नहीं आई हैं, ये अच्छी बात है कि सभी सही सलामत हैं, लेकिन एयर बैग्स जो हैं वो दोनों खुले हैं। कल भी एक हादसा जो है वो नेशनल हाईवे पे पेश आया था, जहां पर एक ट्रक वाले ने जो है एक स्कूटी वाले को रोन दिया था, और ये विजुअल्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आप अभी भी देखिए कि बाइक की जो हेलमेट है बाइक सवार की, वो यहाँ पर अभी भी नाले में गिरी हुई है। और सो ये भी मालूम हो रहा है कि बुलेट वाले से जब टक्कर हुई तो बुलेट वाला जो है वो यहाँ से नीचे गिर गया, इसी नाले में गिर गया, और उसको लोगों ने निकाल कर जो है फिलहाल हॉस्पिटल पहुँचाया है। हाँ जी, ये गाड़ी मेरी है, मैं रेलवे स्टेशन से नानक नगर उस साइड से आ रहा था, तो ये बरना गाड़ी इस साइड से आई है जी। तो मैं बीच में आया, उसने आगे आके मारी मेरे। अच्छा। मैं ब्रेक भी लगाई गाड़ी की अपनी की, वो इतनी स्पीड में था, स्पीड में गाड़ी थी सर, इसकी मैं 80 से ऊपर थी। हाँ देखो ना, एयर बैग खुल गया उसका और आगे मोटरसाइकिल आ गया। अच्छा, देखो मेरे को मार के फिर मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ाई इसने, बरना में एक लेडीज थी आगे बैठे हुई। अच्छा। और लड़का एक चलका रहा था। अच्छा, लगी हम तो नहीं, लगी किसी को नहीं है, लड़की भागे उसी टाइम में निकल के, मोटरसाइकिल वाला नाले के में गिरा, नाले में गिरा, नाले के बाहर में भी गाड़ी से निकल गया बाहर, उसको निकाल के फिर बाहर निकाला उसको। लगी नहीं, लगी नहीं है, लगी नहीं है, बचाव है, ठीक ठाक है, बोल रहा सब कुछ। 80-90 के आसपास स्पीड थी। हाँ, इसकी 80 से ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं है। एक लेडी थी और एक जेंट्स चला रहा। हाँ, लड़का था लड़की, और दोनों बैठे, दोनों बैठे हुए तो दोनों गाड़ी छोड़ के चले गए। हाँ, लड़का बाद में गया थोड़ा, लड़की तो उसी टाइम भाग गई ना, उसी टाइम तो लड़का थोड़ा बाद में गया। वो गाड़ी के पेपर निकाले, मैं तो स्टेशन सवारी उतारी बिल्कुल स्लो, मैं सब इस साइड देखा, फिर इस साइड देखने लगा तो गाड़ी इतनी स्पीड में, तो मेरा चलो ब्रेक भी लगाई, ब्रेक लगाने के बाद भी उसने मार दी। बाइक वाला आप दोनों के बीच में आया? नहीं जी, इधर देखो ना, बाइक वाला तो मेरे ठोक के फिर बाइक वाला आया इसके नीचे। अच्छा, इसको नीचे आ जाने के बाद वो आदमी गिर गया नाली में। बरना गाड़ी वाला था, उसको एहसास था कि उसने गलती की है? गलती गया उसको, चलो बाद में तो एहसास क्या होना उसको, नहीं वो देखो बड़े लोगों की बात है, ठीक है ना, बड़े लोगों की बात है, उनको कुछ नहीं होना है, सब कुछ ठीक ठाक है। देखो मेरा है ना दिहाड़ीदार हूँ मैं, मेरी अपनी गाड़ी है, किसी की नहीं चलाता, मैं अपनी है, 1000 रुपए का फेरा लगाया, देखो क्या अब क्या करूंगा मैं, बच्चों का क्या खिलाऊंगा। दोनों भागे उस, नहीं लड़का बाद में भागा, पहले लड़की भागी फिर लड़का बाद में भागा, पेपर लेके भाग गया, मेरे पेपर अभी बीच में ही पड़े हैं, ठीक है ना। ये सारी कहानी है, ये सारी कहानी है। तो ये जनाब वहां से आ रहे थे और ये गाड़ी जो है वो स्पीड से यहाँ से आ रही थी और टक्कर हिट होती है, और शायद कहीं ना कहीं अगर इस गाड़ी से टक्कर नहीं होती तो मोटरसाइकिल को जो है वो ज्यादा, मोटरसाइकिल की अगर बात करें तो शायद ये बाइक JK02AW9566। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी बिल्कुल सही सलामत है, किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन तो ये आप फिलहाल देख सकते हैं। एक बड़ा हादसा टला है, लेकिन आप देखिए कितनी स्पीड में ये गाड़ी है, जिस तरीके से ने कहा कि वरना गाड़ी जो है स्पीड में थी और हिट की, उसके बाद एयर बैग्स आप देख सकते हैं, एयर बैग्स दोनों आगे वाले खुले हैं, और ये कहा जा रहा है कि एक लड़का और एक लड़की इस गाड़ी में सवार थे, और
लगभग 70 से 80 की स्पीड से ये गाड़ी थी, ऐसा जो शेवरलेट का जो ड्राइवर है उसने बताया, जो कि टैक्सी ड्राइवर है, उसने बताया कि जैसे मैंने राइट साइड देख के लेफ्ट साइड देखा तो ये गाड़ी तब तक जो है जोर से हिट कर चुकी थी, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। कल भी इस तरीके से एक एक्सीडेंट देखने को मिला था जो कि नेशनल हाईवे में हुआ था, एक ट्रक वाले ने जो है स्कूटी वाली को रोन दिया था। तो हम हमेशा ये कहते हैं जब भी आप गाड़ी चलाते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी धीरे चलाइए, ये ध्यान रखिए आपका कोई घर पे इंतजार कर रहा है। तो एयर बैग आप देख सकते हैं दोनों खुले हैं, और जो यहाँ पर ये जो शेवरलेट का जो ड्राइविंग पे था, यही ड्राइवर जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, और उनका कहना यही है कि बहुत जोर से टक्कर हुई और अभी भी आप बिखरे हुए पार्ट्स नीचे देख सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब सही सलामत है, ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। इंजरी किसी को भी नहीं है, सिर्फ बोल्ट वाले को लगी हुई है, वो हॉस्पिटल गया हुआ है, बाकी सब ठीक है। और बाकी अदरवाइज इतनी जोर से हिट हुआ है कि वो देखिए पोल तक हिल गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि तो हालांकि आए दिन जब इस तरह के एक्सीडेंट सामने आते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि गाड़ी को आप धीरे चलाइए, आप गाड़ी तेज नहीं चलाइए, और एक बड़ा हादसा जो है वो आज यहाँ जरूर टला है, किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन ये आप देखिए बुलेट की जो हेलमेट है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मारा, बड़े आदमी क्या माफी मांगेगी, ठीक है ना। भाग गया, गाड़ी का पेपर लिए इसने तो निकल गया जी। बुलेट वाले को किसने निकाला, नीचे गिर गया था ये सुनो, गाड़ी हमने देखो हम उतर के नीचे उसको फिर नाले से निकाला, हम हॉस्पिटल में जाया, हाँ हॉस्पिटल जब उसको लेके चले, ठीक है ठीक है ठीक है। साफ तौर पर देखिए कि वरना ने जो है वो हिट किया है, और ये बुलेट नंबर एक बार दोस्त बता दूं, काफी जाम यहाँ पर जरूर लगा है, और ये कहीं ना कहीं आए दिन जब इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं, हम तो यही कहेंगे कि गाड़ी आप धीरे चलाइए, और आप गाड़ी जो है धीरे चलाओगे तो इस तरह के हादसे जो है वो पेश नहीं आएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बसेस के साथ राहुल कतरी, बाहु एक्सेस के लिए।